इसके पहले के वीडियो में हमने बनाया है पिज़्ज़ा सॉस, और आज चलिए हम उसी पिज़्ज़ा सॉस से बनाते हैं पिज़्ज़ा, फ्रेशली बेक्ड पिज़्ज़ा बेस के साथ। पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे बिना ईस्ट के, बिना बेकिंग पाउडर के, बिना बेकिंग सोडा के। हमने लिया 1.5 कप मैदा, आप इसमें आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। मैदे के बीच में थोड़ा गड्ढा की तरह करिए और इसमें डालिए 1/2 कप दही। दही थोड़ा खट्टा हो तो और भी अच्छा है। और इसमें हमने डाला 2 चम्मच तेल, और अब डालिए 1 चम्मच के करीब नमक और 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर। अब हमने डाला है 1 टीस्पून इनो, और इनो को एक्टिवेट करने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। और सबको मिलाकर एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेंगे। और देखिए डो में एक नेटी इफेक्ट आ गया है। डो में मिलाएंगे थोड़ा सा और ऑयल और अच्छी तरह डो को सॉफ्ट नीट कर लेंगे। और अब हम देखिए डो को इस तरह अंदर की तरफ ले जाते हुए फोल्ड करेंगे, इससे डो जो है राइज होगा, फूलेगा। और अब इसे हम किसी गर्म जगह पर रख के कम से कम 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 3 घंटे हो गए हैं तो हम देखते हैं हमारे डो किस स्थिति में है। एकदम सॉफ्ट हो गया है देखिए। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल या तेल और डालेंगे और इसे अच्छी तरह नीट करके परफेक्ट गोला बना लेंगे। और अब बना लेते हैं इसकी लोई। अगर छोटे बनाने हैं हमें पिज़्ज़ा तो इसकी 6 बनेंगे, और अगर हमें थोड़ा मीडियम या थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाना है तो इसके हमें 3 बनेंगे। और इंडिविजुअल लोई को भी फिर हम उसी तरह अंदर की तरफ मैदा ले जाते हुए सभी लोई को बना लेंगे, और फिर इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब देखिए आपकी लोई कितनी अच्छी तरह एकदम फूल गई है लोई। हमने पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए केक का मोल्ड यूज़ किया है। केक के मोल्ड का जो बेस है वो हमने निकाल लिया है, और इसको कवर किया है हमने पार्चमेंट पेपर से या बेकिंग पेपर से। यहाँ पर नोटिस करिए कि बेकिंग पेपर है, दिस इज़ नॉट वैक्स पेपर। वैक्स पेपर यूज़ नहीं करना है, उसमें पिज़्ज़ा चिपक जाएगा। हम बहुत बार वैक्स पेपर और पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर से कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों पेपर देखने में एक ही तरह के लगते हैं, लेकिन वैक्स पेपर को कभी भी गर्म के लिए यूज़ नहीं करते हैं। पार्चमेंट पेपर पर डायरेक्ट लोई रखिए और इसे हाथ से फैला दीजिए, और फिर फोक की सहायता से इसमें छेद कर दीजिए। इसे बेक करेंगे 140 डिग्री पे 4-5 मिनट के लिए, और हमारा पिज़्ज़ा बेस रेडी होगा। अब चलिए निकाल कर देखते हैं कैसा हुआ है। एकदम परफेक्ट है देखिए। इस स्टेज में आप इसे सेव करके रख सकते हैं और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इस पे लगाइए थोड़ा सा बटर, और बटर पे लगाइए अब जो हमने बनाया है पिज़्ज़ा सॉस। इस होममेड पिज़्ज़ा सॉस का अलग ही फ्लेवर होगा और अलग ही टेस्ट होगा। और अब लगाइए अपने मनपसंद की टॉपिंग। हमने लिया है कैप्सिकम, टोमेटो का पल्प हमने निकाल दिया है, साथ में लिया है कॉर्न, ये कॉर्न जो है बॉइल्ड कॉर्न है। उसमें डालिए थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, साथ में डालिए हर्ब्स, ओरिगानो या मिक्स्ड हर्ब्स, आप कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके ऊपर डालिए खूब सारा चीज़ आपकी इच्छा अनुसार, और पिज़्ज़ा रेडी है बेक होने के लिए। पिज़्ज़ा को रखिए सेंटर वाले शेल्फ पे, ऊपर और नीचे दोनों कॉयल ऑन रहेंगे 180 डिग्रीज पे 5 मिनट के लिए। अवन की सेटिंग अवन टू अवन वैरी करता है, तो आप अपने अवन के हिसाब से भी सेटिंग कर सकते हैं।
और फाइनली अपना पिज्जा एकदम रेडी है। चलिए काट कर देखते हैं। नीचे से थोड़ा क्रंची भी है और बीच से एकदम सॉफ्ट है। खुशबू एकदम फ्रेश पिज्जा की बहुत अच्छी आ रही है। एक कमेंट तो जरूर ही बनता है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बनाइए जरूर। थैंक यू।